हमने देखा किस तरह से पोटेशियम मैग्नेट 7 किस तरह से पोटेशियम मैग्नेट 7 रिड्यूस होकर प्लस 7 स्टेट से प्लस 2 स्टेट में आ जाता है और डार्क पर्पल से लाइट पर्पल हो जाता है। ठीक उसी तरह से हमने देखा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज से ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है और रिड्यूस हो जाता है। तो हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट को एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा और साथ ही साथ हमने पोटेशियम मैग्नेट 7 को भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा, क्योंकि ये दोनों ही रिड्यूस हो जाते हैं। पोटेशियम मैग्नेट 7 ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है और पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 ऑक्सीडेशन स्टेट 6 से ऑक्सीडेशन स्टेट 3 में आ जाता है और इसका कलर ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है। ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं क्योंकि ये दोनों ही रिड्यूस होते हैं। पोटेशियम मैग्नेट 7 और पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं क्योंकि ये दोनों ही रिड्यूस होते हैं। आज हम देखेंगे कि पोटेशियम आयोडाइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो वह क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है। जब हम पोटेशियम आयोडाइड में हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलाते हैं और साथ ही साथ उसमें हम H2SO4 भी डालते हैं तब रिडॉक्स रिएक्शन होता है। व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू हाइड्रोजन परऑक्साइड, जब पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड देन रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। हाइड्रोजन परऑक्साइड में हमने पोटेशियम आयोडाइड डाला इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तब बनता है आयोडीन, पोटेशियम सल्फेट और वाटर। तो यहाँ हम देख रहे हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन और पोटेशियम आयोडाइड ऑक्सीडाइज्ड होकर के आयोडीन में कन्वर्ट हो रही है। पोटेशियम आयोडाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब है कि पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रही है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रही है। तो हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड लूजेस ऑक्सीजन सो इट इज रिड्यूस्ड एंड द पोटेशियम आयोडाइड एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। एट द सेम टाइम पोटेशियम आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू आयोडीन, दिस कॉजेज कलर चेंज, दिस कॉजेज कलर चेंज एंड इट कन्वर्ट्स इंटू रेड ब्राउन कलर और इसका कलर रेड ब्राउन हो जाता है। पहले यह कलरलेस थी, पोटेशियम आयोडाइड पहले कलरलेस थी, बाद में कलरलेस हो जाती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरह से पोटेशियम आयोडाइड पहले कलरलेस थी और बाद में रेड ब्राउन हो जाती है। सो पोटेशियम आयोडाइड इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब है कि पोटेशियम आयोडाइड जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, पोटेशियम आयोडाइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, इस बात को हमने समझा कि पोटेशियम आयोडाइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन क्या हम इसे कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए नहीं यूज कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, पोटेशियम आयोडाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है और इसका कलर रेड ब्राउन हो जाता है ऑक्सीडेशन के बाद तो इसका मतलब हम यह समझ सकते हैं कि किसी दूसरे सब्सटेंस में ऑक्सीडाइज करने की प्रॉपर्टी है या नहीं। इसका मतलब है कि जो दूसरा सब्सटेंस जिसमें हमने इसे डाला है वो खुद रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। थैंक यू।